फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब आज मैं अपनी कार की फर्स्ट सर्विस करवाने जा रहा हूँ, फोर्ड फ्री स्टाइल की, और ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो मैं आप लोग को पूरी सर्विस दिखाऊंगा और सर्विस के बाद क्या क्या चेंजेस है गाड़ी में, पहली सर्विस में क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो पे, तब तक मैं चलता हूँ सर्विस सेंटर। तो इस वक्त मेरी कार 2800 किलोमीटर चल चुकी है और 3000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होनी है। तो मैं अभी करवा ले रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा और 3 मंथ्स कार को होने भी वाले हैं, तो इसीलिए आज मैं सर्विस पे लेके जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं फिर सर्विस सेंटर। पहुँच गया हूँ शोरूम अभी, अब कार अंदर ले जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है इस तरफ। अभी मैं पहुँचा हूँ गेट पे, खड़ा हूँ मैं शोरूम पे, तो बस अब अंदर ले जाता हूँ, फिर आप लोग को बाकी का दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है इस कार में। लाई हो रही है अभी कार की। जी मैट वैट कार की यहाँ रख दी है, अभी निकाल के इन्होंने सब धुल भी दिए मैट अच्छे से, तो सफाई काफी अच्छी करते हैं। अभी पूरा यहाँ पे वाटर स्प्रे भी हो रही है, पूरा जेट स्प्रे हो रहा है अभी कार का अच्छे से, भाई पूरी चमक जाएगी कार। कार धुलाई से तो आ चुकी है, एकदम साफ हो चुकी है, कहीं भी मिट्टी नहीं है कार पे। अभी मेन पॉलिश वॉलिश अभी होगा कार पे, व्हील सील सब कुछ एकदम साफ हो चुके हैं। अंदर अभी मैटिंग हटा दी गई है कार की और अभी इसमें यहाँ जो मिट्टी है बिल्कुल अभी साफ हो गई। भैया आ गए वापस, भैया भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं साफ करने में। चलिए हम बैठते हैं शोरूम में, चल के यहाँ पे खड़े रह के क्या करेंगे। चलिए गाड़ी का हाल देखते चल के, अभी धुलाई उलाई हो रही है गाड़ी की अच्छे से। कूलेंट का लेवल कम था वो भर दिया है, बाकी इंजन भी क्लियर है, पूरा साफ कर दिया है। ऑलराइट, सर्विस हो चुकी है पूरी, सब कुछ साफ हो गई, कार एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन। आप लोग इंटीरियर देख लीजिए कार का, देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है, सो इंटीरियर पूरा पॉलिश कर दिया है। बाहर से भी मैं दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी आप लोग को, बाहर से भी पूरी एकदम धुलाई हो गई अच्छे से, कार एकदम चमक रही है इस वक्त। ठीक है, देख लीजिए पूरा पीछे से टायर वगैरह सब चमक रहे हैं। बाकी बातें मैं आप लोगों से घर पे चल के करता हूँ, जो मेरा कॉस्ट लगा और क्या क्या था वो सब। सो मैं वापस आ चुका हूँ कार की सर्विस करवा के, और जो मेरा एक्सपीरियंस था इस पूरी सर्विस का वो मैं आप लोग को बताता हूँ। कार की काफी अच्छे से सर्विस की गई और मैं आराम से वहाँ पे वेट कर रहा था बैठा हुआ, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, तुरंत मेरा कूपन लिया और फिल करके सब कुछ सर्विस मेरी कार को बे पे चढ़ा दिया। और एंड उसके बाद कार की अच्छे से वॉशिंग की उन लोगों ने, कार की वॉश काफ़ी अच्छे से हुई। और अगर मैं आप लोग को बता दूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ यूपी में, यहाँ पर मिट्टी बहुत उड़ती है और मिट्टी की डस्ट की वजह से जो ब्लैक कार है, मेरी कार का कलर ब्लैक है, उसकी वजह से वो कार थोड़ी देर में ही उस पर डस्ट विजिबल होने लगती है आसानी से। वाइट कार पे उतनी विजिबल नहीं होती, बट ब्लैक कार पे इजीली विजिबल होती है, तो वो कार गंदी लगने लगती है ऑटोमेटिकली जल्दी से। तो वहाँ पे वो लोग एक बार कार धो के रख दी उन्होंने अच्छे से, पूरी क्लीन हो गई थी कार, बट फिर उसके बाद उसकी सर्विस होने लगी। जब वो पूरा टोटल चेक किया उसने अच्छे से, हर एक पार्ट्स चेक किए, इंजन ऑयल चेक किया, कूलेंट लेवल और जो वॉशर फ्लूइड है हमारा विंडस्क्रीन का, वो सब उसने चेक किया। जब वो सब काम वो कर रहा था वहाँ का जो मैकेनिक है, तब उतनी देर में कार अंदर बाहर 2-3 बार हुई, उसने टेस्ट की चला वाला के, और मैंने कुछ जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी वो भी उसने टेस्ट की, तो उसमें कार थोड़ी गंदी हो गई। तब फिर उन्होंने कार धोई, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस पोंछ के पकड़ा दी, अच्छे से पानी से फिर से धोई, फिर अच्छे से पॉलिश की और अंदर से अच्छे से सफाई की, मैट निकाली। और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था,
एक आप जो आपकी गाड़ी साफ करते हैं उनसे लेकर के एक सेल्स पर्सन जो वहां पे बैठे रहते हैं और मैनेजर से लेकर सबका जो बिहेवियर था काफी फ्रेंडली और काफी अच्छा था, जो कि मुझे फूड का काफी अच्छा लगा और मैं इसके लिए उनको काफी अच्छी रेटिंग्स भी देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि फूड की सर्विस अच्छी होती है। और उन्होंने मेरा कूलेंट लेवल भी कम हो गया था कार का थोड़ा, तो उन्होंने कूलेंट लेवल भी टॉप अप कर दिया, कूलेंट टॉप अप कर दिया उन्होंने, उसका भी कोई उन्होंने एडिशनल चार्ज नहीं किया। एंड कई जगह लुब्रिकेशंस किए, वॉशिंग 2 बार हुई कार की, 2 बार अच्छे से अंदर से भी वॉश हुई बाहर से भी वॉश हुई। एंड उसका कुछ कॉस्ट भी होता है, उन्होंने एक एक भी पैसा मुझसे नहीं चार्ज किया इस बार। एंड उनका बिहेवियर काफी अच्छा था। एंड उन्होंने कार काफी अच्छे से हैंड ओवर की मुझको, मैं बैठा मेरे से उन्होंने काफी अच्छे से बात भी की। एंड कार की सर्विसिंग काफी अच्छे से हुई, इस सर्विस में मेरा एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ है। एंड केवल मुझे बिल दे दिया उन्होंने कि हाँ फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उसका प्रूफ एज अ बिल दे दिया है उन्होंने। एंड और कुछ भी उन्होंने चार्ज नहीं किया मुझसे। एंड कार एकदम अभी भी अच्छी से चल रही है, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे, ऐसी मेजर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरी कार में। एंड माइलेज भी अच्छा है कार का और मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर ऑलरेडी। एंड अब इसकी जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो 10,000 किलोमीटर और 1 ईयर पे होगी, तो जो भी दोनों में से पहले होगा तो मैं सेकेंड सर्विस की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें ऑयल ऑयल चेंज होगा, कूलेंट भी चेंज होगा, तो काफी चीजें चेंज होंगी उसमें। तो कितना कॉस्ट आएगा, भले ही उसमें लेबर कॉस्ट नहीं ऐड होगा बट कितना कॉस्ट आएगा वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जिनको कन्फ्यूजन है इसकी सर्विसिंग से लेके फोर्ड की वो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी है, सेफ चलिए, गुड बाय।